हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन शेयर टिप्स डॉट कॉम। और आज हम आपको एक नया टैक्स एवेन्यू सेविंग का बताएंगे, वो है एनपीएस का। और उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सा पेंशन फंड चुनना है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो आप कैसे जान सकते हैं एनपीएस फंड परफॉर्मेंस? और ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब आप एनपीएस का अकाउंट होल्डर बनते हैं तो आपके सामने 8 पेंशन होल्डर्स आ जाते हैं, तो आपको समझ नहीं आता किस में मुझे जाना चाहिए, किसके थ्रू मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सो क्वेश्चन इज हाउ टू चेक एनपीएस पेंशन फंड मैनेजर परफॉर्मेंस। तो मैं आपको पहले दिखाता हूं कि पेंशन फंड मैनेजर का क्या है काम। मार्केट लिंक्ड काम करता है और कंट्रीब्यूशन बेस्ड होता है कि आप हर साल अगर इसमें कंट्रीब्यूशन करें तो वो आपके बताए हुए तरीके से इन्वेस्ट करेगा। और वो इन्वेस्टमेंट कैन बी इन इक्विटी और इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और इन कॉरपोरेट बॉन्ड्स। वो परसेंटेज आप डिवाइड करके उनको बता सकते हैं कि मुझे किस में जाना है और कितने परसेंटेज आपने लगाना है। अब आपका रिटर्न कितना होगा वो उस पर डिपेंडेंट है कि आपने पेंशन फंड कौन सा चुना है, वो पेंशन फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। 3 है इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड जिसके अंदर ये पेंशन फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट आपको एडिशनल टैक्स ब्रेक भी दिलवाता है, तो इसीलिए एनपीएस में अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए क्योंकि 50,000 का आपको एक्स्ट्रा टैक्स ब्रेक का इंसेंटिव अवेलेबल हो जाता है। इसके अंदर पेंशन फंड के अंदर भी वो Tier 1, Tier 2 पेंशन फंड्स हैं। मैं अभी सिर्फ ईज ऑफ पर्पस एंड अंडरस्टैंडिंग हम सिर्फ Tier 1 को देखेंगे। तो आप देखिए, आपके सामने स्क्रीनशॉट है। पेंशन फंड मैनेजर्स आर आदित्य बिरला, HDFC पेंशन फंड, ICICI प्रोडेंशियल, कोटैक, LIC, SBI और UTI। सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो इक्विटी फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड फंड और कॉर्पोरेट डेट फंड, तो ये 3 के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसका फंडा ये समझ लीजिए कि इक्विटी में आपने कितना परसेंटेज लगाना है वो वेरी करेगा 100 माइनस एज। अगर आपकी एज 40 साल है तो 100 माइनस एज, तो आपका परसेंटेज 60% इक्विटी में होना चाहिए। जो हायर रिस्क टेकर है वो इस रूल को मॉडिफाई कर सकता है, वो 100 की जगह 80 का फिगर लगा सकता है। करेक्शन, जो लेसर रिस्क टेकर है वो 80 का रूल लगा सकता है कि 80 माइनस एज इज 40, तो सिर्फ 40% वो इक्विटी में लगाएगा। जो हायर रिस्क टेकर है वो 100 का रूल लगा सकता है। अगर 60% 100 माइनस 40 60 इक्विटी में चला गया, बचा कितना 40%, तो 40 में इक्वलेंटली वो डिवाइड कर सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर। तो हमें उम्मीद है कि आपको पैसा कैसे लगाना है वो क्लियर हो गया होगा। हायर रिस्क टेकर विल यूज द यार्ड स्टिक ऑफ 100 माइनस एज एंड लेसर रिस्क टेकर विल यूज द यार्ड स्टिक ऑफ 80 माइनस एज फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। तो इक्विटी में कितना परसेंटेज देना है वो आपको इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। अब इनका रिटर्न देखिए, आप यहां पे देखिए जो ऑरेंज कलर है वो 1 ईयर को दिखा रहा है, येलो कलर 3 इयर्स एंड ग्रीन कलर 5 ईयर का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो जब आप 5 साल के नजरिए से देखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न दिखाई देगा। हो सकता है 1 ईयर में किसी का परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, पर 3 और 5 इयर्स में वो परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है बिकॉज टाइम ऑलवेज एक्ट्स इन योर फेवर। तो अब हमें कौन सा अच्छा लगता है और आपको कौन सा अच्छा लगता है, उसमें हमने सीधा यार्ड स्टिक हमारे लिए बनाया है कि हमने गवर्नमेंट के द्वारा जो फंडेड एजेंसी है उसका हमने इस्तेमाल नहीं करना पेंशन फंड। LIC का जो पेंशन फंड है हमने नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि गवर्नमेंट कब उसका कान मरोड़ेगी और बोलेगी मेरी मदद करो, इस शेयर को उठाओ उसको गिराओ,
और एसबीआई का भी हम इसी कारण से नहीं हाथ लगाएंगे। तो बचे हमारे पास एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, ये तीन हमारे फेवरेट हैं। इन तीनों में से आप किसी भी पेंशन फंड मैनेजर को चुन सकते हैं, क्योंकि ये चुनना आपने है एनपीएस के अंदर के मेरे फंड को मैनेज कौन करेगा। आपका अकाउंट किसी के अंदर भी हो सकता है। मान लीजिए आपने अकाउंट आईसीआईसीआई में एनपीएस का खोला है, तो इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि आईसीआईसीआई उसको मैनेज करेगा। उसमें आप चाहें तो आप एचडीएफसी फंड मैनेजर भी चूज कर सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक वाले की मदद से एनपीएस खोला तो वो बोलेगा आप ऐसा करो आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल के अंदर ही लगा लीजिए। तो क्योंकि और लोगों की यही आदत होती है कि मेरा आईसीआईसीआई में अकाउंट है तो इसका प्रोडेंशियल मैनेजर जो भी मैनेज करेगा मेरा इन्वेस्टमेंट वो भी आईसीआईसीआई का ही रहने दो। तो वो कंपलसरी नहीं है, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। हमने एसबीआई और एलआईसी को सिर्फ इसलिए आउट किया है कि वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, हो सकता है वो ज्यादा अच्छा कर जाए। तो हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि LIC या SBI खराब है, सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि वी हैव रूल्ड देम आउट ओनली बिकॉज ऑफ देयर कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। और साथ में हम ये UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस को भी आउट कर देंगे, क्योंकि UTI ने भी बीच में काफी मतलब कि हम ये नहीं बोलेंगे कि गड़बड़ियां की, पर समहाउ वी आर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ UTI। So, आपके सामने बचे हैं HDFC, ICICI, Kotak। तो वी लाइक दीज थ्री फंड्स और हमें उम्मीद है कि ये तीन बैंक्स अगले 100 साल तक रहेंगे। आदित्य बिरला वी हैव नॉट यूज्ड मच, सो वी विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। तो लॉजिक हमने जो निकालने का बाहर किया, गवर्नमेंट कंट्रोल को आउट कर दिया, एक उनमें से UTI का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बीच में किसी जमाने में खराब हो गया था तो इसीलिए हमने उसको आउट कर दिया है। और अगर परफॉर्मेंस इन तीनों का देखें तो तकरीबन 3 साल के अंदर इक्विटी में 13%+ तक का रिटर्न दिया। तो आप याद रखें FD रिटर्न जनरली 8% पे है, तो अगर ये आपको 13%+ दे रहा है तो इट इज फेयरली डूइंग ए गुड जॉब। बाकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर आप देख सकते हैं इन तीनों का तकरीबन 9% के नजदीक है, और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में तकरीबन 8.5 के नजदीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने कौन सा पेंशन फंड मैनेजर चुनना है। बाकी जिसको भी चुनना है आपकी मर्जी है, हमें कोई भी कॉम्पेंसेशन इन कंपनियों के बारे में नहीं मिला हुआ कि कोई सोचे कि शायद इनको HDFC, ICICI या Kotak ने कोई पैसे दिए होंगे प्रमोट करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर आर पर्सनल व्यूज for which we have not received any compensation from any of the listed entities। और अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो none can beat our bank nifty option tips which gives fantastic returns on daily basis। आप हमारे क्लाइंट का वीडियो टेस्टिमोनियल सुन सकते हैं जो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। Hi, I'm Vikram from Mumbai. And I've been using indianshare tips.com services for over a month now. I've been using their bank nifty option services as well as their nifty option services, and I must tell you I'm superbly impressed by them. They're extremely professional people, and the good news is you will turn profitable every month if you follow the instructions to the T. Do not be greedy and be extremely disciplined. When they tell you to exit, you must exit. Do not let greed overpower you. That is the only way that you will succeed in this. And I wish the team all the very best. I am for sure going to continue using the services for the rest of my life. And I hope you guys also do the same. Thank you so much. हमें उम्मीद है कि इनका वीडियो टेस्टिमोनियल सुनने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो वी वॉक यू थ्रू दिस जंगल ऑफ स्टॉक मार्केट, ताकि आप जिंदगी में प्रॉफिटेबल बने और लास्ट में ये ना बोलें कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, और ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड करें, लाइक माइंडेड पीपल जुड़ेंगे तो हमें भी मजा आएगा और भी वीडियोस करने में। और हमारी सर्विसेज इक्विटी में है, जैकपॉट टिप, बैंक निफ्टी ऑप्शन, डिलीवरी, कमोडिटी, FNO, HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, एंड हमारा सबसे अच्छा मॉर्निंग में कॉल है बैंक निफ्टी ऑप्शन।
मॉर्निंग में 9:15 टू 10:15 AM आपको सिर्फ समय देना है और आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज ए साइंस बाय इटसेल्फ टू बी एग्जीक्यूटेड विद एन आर्ट। और जिनके पास मॉर्निंग में समय नहीं है, कॉन्फ्रेंसेस में बिजी हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, आफ्टरनून में हमारा निफ्टी ऑप्शन से बेनिफिट उठा सकते हैं। सिर्फ 10,000 कैपिटल का रिक्वायर्ड है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम स्टॉक मार्केट से पैसा इसलिए नहीं बना सके क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। 10,000 हर कोई केटर कर सकता है। स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, तो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में उतरना पड़ेगा। एंड रिमेंबर, स्टॉप लॉस इज नॉट योर एनिमी बट अ फ्रेंड, एज इट इज ए रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म। एंड लास्टली गो थ्रू द डिस्क्लेमर, वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। थैंक यू।